नमस्कार दोस्तों, आज है 15 जून और आज का जो वीडियो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। मेरे पास ऐसी क्वेरी आ रही थी कि मैम हार्डी प्लांट्स ऐसे बताइए जो मॉनसून सीज़न में लगाने वाले हों, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम साल भर में कभी भी लगा सकते हैं, उनके लिए हमें मॉनसून का वेट नहीं करना पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं आपको मैं 20 से ज़्यादा ही बताऊंगी, कम नहीं बताऊंगी। उनमें से ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको कि मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लूमेरिया से, चंपा से, ठीक है, यहीं से करते हैं स्टार्ट। और ये देखिए, इसका वीडियो लिंक मेरे पास है, मैंने इस सारे ही प्लांट को कटिंग से लगाया था, ये देखिए। और ये इनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। इनकी कटिंग से लगाना है, कैसे लगाना है, इसको रिपोर्ट कैसे करना है, वो सारा वीडियो लिंक है। पुराना वीडियो है, थोड़ा हो सकता है बोरिंग वीडियो हो मुझे, क्योंकि वीडियो बनाना तो खैर अभी तक नहीं आया। तो ये देखिए, ये एक ये है, सभी लगी हुई हैं। और दूसरा प्लांट ये है, ये बैग में सब लगा रखा है, प्लांट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो दो प्लांट तो ये है प्लूमेरिया के, तीसरा ये है, ये भी प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है, और चौथा एक और है, ये मतलब बैग में ये भी लगा रखा है। तो मतलब ये आप अपना आराम से लगा सकते हैं, इसमें भी कई वेराइटी होती है। ये देखिए, सबके पत्तों का साइज़ शेप अलग अलग है। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये नुकीला है, इसमें अलग कलर का फूल आएगा। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा गोलाई लिए हुए है, अलग अलग हैं, आप अपना देख लीजिएगा, आपके आसपास आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। और सेकंड ये तो हो गया प्लूमेरिया, दूसरा है नागचंपा है। नागचंपा को भी अभी मैंने कटिंग से लगाया, इसको देखिए दिखाती हूँ, इसमें तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये वाला नहीं, ये तो मेरे ने ख़रीदा था, इसको ख़रीदा था, उसके बाद ये प्रूनिंग वूनिंग की थी, फिर ये देखिए, ये भी सब कटिंग लगा दी मैंने। और ये चार कटिंग्स हैं, ये चारों के चारों लग गई हैं, मतलब ये 1, इधर ये 2 है, और ये इधर 4, और ये सॉरी मतलब 1 2 3 4, ठीक, ये 4 हैं, ये यहाँ पे हैं। और तीसरा जो है ओलियंडर है, बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, इसको मुझे 4 से प्रून करना है। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया, इसका वीडियो है मेरे पास कैसे लगाने हैं। तो ये देखिए, इसके सीड पॉड यहाँ बन रहे हैं, इसको हटा दूँगी, जो वो वाला दिखाया उसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, और इसमें ये मैजेंटा सा कलर है। तो ये देखिए, और ये भी गमले में ऐसे, इसको कैसे लगाना है इसका भी वीडियो लिंक है, आप देख लेंगे, मैं अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, मैं दे दूँगी। ये देखिए, तो ये हो गया। इसके बाद है 4th नंबर पे प्लांट है बोगनवेलिया, बोगनवेलिया भी कटिंग से लगा सकते हो। और ये सब प्लांट ना ग्राफ्टिंग से और एयर लेयरिंग से बहुत अच्छे से लग जाते हैं। 5th नंबर का प्लांट है, देखिए ये है अलामंडा है, इसमें आप कलर अपना देख सकते हैं जैसे आपके आसपास से कहीं मिल जाए। एक तो देखिए ये कलर है, और मतलब ये वाला जो है, होती इसकी जो ब्रांचेस है ना बहुत पतली होती हैं, ये जो है ना बुश वैरायटी नहीं है, इसकी पत्तियां देखिए थोड़ी सी ऐसी मोटी मोटी सी रहती हैं। और ये देखिए, ये एक ये वाला कलर है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको बुश बना रखा है, ज़्यादा इसको उसमें नहीं दिया है, काफ़ी सारी इसमें ब्रांचेज हो गई हैं, उधर भी देखिए फ्लावर निकला हुआ है। और मतलब अलमंडा में ही ये एक वैरायटी, मैं अभी कल ही खरीद कर लाई हूँ, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा शॉपिंग वाला, तो इसकी भी कटिंग लग जाएगी, ये वाइन वैरायटी है, ये देखिए। तो जब आप लगाइएगा ना, देखिए आज मैं आपको वीडियो कटिंग लगाना नहीं बता रही हूँ, तो जब जैसे थोड़ा सा आपको ना टिप्स भी दे दूँगी कि जब आप लीजिएगा ना तो देख समझ के लीजिएगा, बहुत ही कम से कम नहीं तो 4 कटिंग्स तो किसी भी प्लांट की आप लगाइएगा ही, इससे कम मत लगाइएगा। इसके अलावा ये देखिए, ये शमी प्लांट है मेरा, तो शमी की भी जो है बहुत ईजली कटिंग लग जाती है, बहुत ही आसानी से। मुझे ये प्लांट पॉट ना रिपोर्ट करना है, मैं एक बार कर चुकी हूँ। ये देखिए आप, इसकी रूट देख के बाहर आ रही है, यहाँ से देख रहे हैं, ये देखिए, तो इसको मुझे रिपोर्ट करना है, ये टाइम अच्छा भी रहता है रिपोर्ट करने के लिए। करूँगी फिर इसकी भी कटिंग वटिंग थोड़ी सी तैयार कर लूँगी, प्रूनिंग करूँगी। मैम दोस्तों गिनती नहीं गिन पा रही हूँ। नेक्स्ट प्लांट है मेरा, ये देखिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको जैसे हमें प्रून अगर करना है, ये है वो अपराजिता है, इसमें वाइट वाली अपराजिता भी है और ब्लू वाली भी है।
तो इसकी जो इसके भी बहुत आसानी से ये कटिंग से लग जाती है, बहुत ही इजीली लग जाती है। अब इसको इसको तो कुछ ऐसी कोशिश करनी ही नहीं पड़ती है, थोड़ी सी बस आप इस तरीके की ब्रांच आप ले लो सेमी वुड टाइप से, और इसको आप गमले में ही किसी गमले में साइड में आप लगा दीजिए, जो आपके अच्छा सा कोई गमला हो जिसमें मिट्टी अच्छे से तैयार हुई हो उसमें आप लगा दीजिए, वो मॉइस्चर बना के रखिए, बहुत जल्दी इसकी रूट तैयार हो जाती है। सेवेंथ अब है ये नंबर, ये है आपका गुड़हल, अभी खिला नहीं है, सुबह का बिल्कुल टाइम हो रहा है, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग जो है वो पानी में भी तैयार हो जाएगी और मिट्टी में भी हो जाएगी। तो सेवेंथ नंबर का प्लांट हो गया गुड़हल, हिबिस्कस। आठवें नंबर का मेरा प्लांट है ये डबल चांदनी का है, ये भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाएगा। नाइन्थ पे है देखिए ये मोगरा है, मतलब मोगरा हो गया, जैस्मिन, बेला, इस टाइप के जितने भी जैस्मिन वैरायटी के हैं ना, ये सब अभी आपके कटिंग से बहुत आसानी से लग जाएंगे। और नाइन्थ नंबर पे है प्लांट ये देखिए टिकोमा है, टिकोमा में भी कई वैरायटी आती है, जैसे अब मेरा तो ये ऑरेंज है, ये बुश है, इसमें भी एक वाइन वाली वैरायटी आती है, तो आप जैसा भी हो आपको जो पसंद हो आप उसमें से ले सकते हैं। देखिए जब क्या होता है हम इस टाइप के जो बुश वैरायटी के लेते हैं ना, तो थोड़ी सी हमें ऐसी बिल्कुल ही हार्ड एकदम लकड़ी जैसी आप वो मत लीजिएगा इस टाइम, थोड़ी सी ऐसी लीजिएगा ये वाली, ये ऐसे जिसमें से आप ऐसे खुरचे ना तो अंदर से हरा हरा दिखे, तो ये जो सेमी वुड टाइप से होती है ना ये बहुत अच्छी होती है। और नेक्स्ट है प्लांट मेरा, पता नहीं 8 है कि 9 है, ये देखिए ये जो है हर श्रृंगार है, हर श्रृंगार इस टाइम आप कटिंग लगा लीजिए, बहुत बढ़िया कटिंग इसकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस टाइप से कटिंग लीजिए आप और इसको लगा लीजिएगा। तो जो भी मेरे पास वीडियो है ना कटिंग वाले वो मैं दे दूँगी, आप देखना हो तो देख लीजिएगा। हर श्रृंगार बहुत अच्छा, बहुत शुभ प्लांट है, अप्रैल में से बहुत फूल निकले थे, अब फिर से ये अपने आप को रेडी कर रहा है। ये है दोस्तों मधुमालती की बेल है, मधुमालती रंगून क्रीपर आप समझ रहे होंगे, झुमका बेल जिसे बोलते हैं। इसको अभी थोड़ा सा इसको मैंने करीब 1 वीक हुआ है रिपोर्ट किया है, तो अभी ये देखिए रूट इसकी जो यहाँ पे ग्रोथ इसकी शुरू हो रही है, नई ग्रोथ है, और इसमें रिपोर्ट किया है गमले में बहुत बुरी तरीके से, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी रूट जो है ये इस टाइप से हो गई थी गमले में लगी हुई, तो इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी तो मैंने अभी रिपोर्ट कर दिया था, तो अब धीरे धीरे हो रही है इसकी कटिंग, इसकी नहीं ये रंगून क्रीपर की मधुमालती की बहुत ईजिली लग जाएगी। इसको तो मैं खैर अभी प्रून करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा अभी इसको लाइन पर मुझे लाना है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये देखिए ये है चमेली, इसमें मुझे थोड़ा सा अभी थोड़ा खाद वाद देना है, ये भी वाइन की देखिए बढ़ रही है, इस तरीके से बढ़ रही है, इसकी प्रूनिंग भी मुझे करनी है। वही हुआ था ना कोविड वोविड के चक्कर में, उस समय बहुत प्लांट गार्डन जो है ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाई मैं, निकल रही है ये देखिए बड़, यहाँ पे ये देखिए इसकी बड्स निकलना शुरू हो गई हैं, ये देख रहे हैं ना ये निकल रही है। अब देख के देखभाल की प्रूनिंग करूँगी क्योंकि अभी ये फ्लावरिंग पे आ गया है, अगर प्रून कर दिया तो हो जाएगी गड़बड़। तो ये बहुत अच्छा सा ये देखिए कितना अच्छा सा प्लांट है, बिल्कुल बुशी हो रखा है, और इसको भी आप बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। तो अब आपको इसमें बताऊं जैसे अब जैसे इतनी पतली है ये, एकदम ही पतली सी मत ले लीजिए ब्रांच, जैसे थोड़ी सी ना इसमें आपको जब हम कोई भी ऐसे वाइन टाइप का प्लांट लेते हैं ना तो उसमें हमें बहुत ही कम ऐसी इस टाइप से वो मिलती हैं स्टेम्स, तो भी इसमें होता क्या है ना ये बड़ी अच्छी रहती है, ये बहुत आसानी से लगती है, ये बताऊँ मैं आपको इतनी इतनी सी जैसे ये ऐसी हरी वाली भी थोड़ी सी ऐसी थिकनेस ली हुई जो रहेगी ना इसको, इसको आप लगा लोगे तो ये लग जाएगी इसकी कटिंग भी। और ये देखिए ये वो है गोरी चोरी वाला प्लांट है, येलो बेल्स जिसको बोलते हैं, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है, अभी मैंने चूँकि ऐसे लगा रखा था वही बोला ना भी मैंने कि ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाई, अकेले मैं खुद ही गार्डनिंग करती हूँ, मैं मेरे यहाँ कोई माली वाली ये सब नहीं करता है, मैं खुद ही करती हूँ। तो ये अभी मुझे इसको एक तो इसमें यहाँ पर ये भी लगा रखा है, बीज पड़ गए थे इसके कॉस्मस के, तो इसको मुझे बड़े गमले में शिफ्ट करना है, बहुत सुंदर सुंदर एक बार इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है, येलो कलर के गुच्छों में इस तरीके से फूल आते हैं इसमें। अब ना मैं आपको अपने कुछ और प्लांट्स वो ऐसे दिखाती हूँ जो कि वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे लगे हैं, और उसके पहले बाद में आखिरी में आपको गुलाब के लिए कुछ मैं बताऊँगी, गुलाब की कटिंग के लिए लगाने को तो देखिए गुलाब की कटिंग लग जाएगी, मैंने बहुत लगाई है प्लांट भी बहुत सारे।
काफ़ी जितने भी मेरे पास देसी गुलाब हैं वो सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो अभी मैं आपको चले पहले और प्लांट्स बता देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा बहुत दिनों से ड्रेसिना है। ड्रेसिना में एक्चुअली क्या है, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो इस टाइम में हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मुझे इसको रिपोर्ट करना है, बहुत ही यहाँ पूरा एकदम अस्त व्यस्त सा जंगल सा हो रहा है, तो इसकी कई ब्रांचेज हैं। इसको कटिंग से ही मैंने लगाया था, इसको जब मैंने लगाया था ना, ख़रीदा नहीं था ये, मैं कहीं से कटिंग लाई थी। और इसको कटिंग मतलब इसकी लगाऊंगी, इसके गमले को ठीक करूंगी। बहुत ज़्यादा इसमें मनी प्लांट भी एक्चुअली बहुत भर गया है इसमें। तो इसको ड्रेसिना की जितनी वैरायटी हैं वो आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है मेरा, देखिए ये है ऑल स्पाइस प्लांट। तो मॉनसून में क्या होता है ना, ऑल स्पाइस प्लांट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो थोड़ा बहुत प्रून ऊन करूँगी, और प्रून करने के बाद प्रून करूँगी तो और बुशी हो जाएगा। तो उसके बाद इसकी भी कटिंग इस समय लग सकती है, अगर आपको कहीं मिल जाए ना तो आप लगा लीजिए। क्रोटोन की भी लग जाएगी, और ना एक चीज़ और बोलूँ, वो क्रोटोन की स्टेम से ही लगाइएगा, वो पत्तों वत्तों से सिर्फ रूट ही बनेगी, प्लांट नहीं बनेगा। पत्ते से जो होता है ना कि पत्ते लगा के हम उसमें रूट तैयार करें, प्लांट तैयार कर लें, नहीं होगा वो, सिर्फ रूट ही रूट बन जाएगी। प्लांट बनने में तो पता नहीं, हम मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि पत्तों से, क्रोटोन के पत्तों से प्लांट तैयार हो जाता हो, सिर्फ लीफ में रूट आ जाती है। तो एरेंथेमम की भी बहुत सारे कटिंग्स आप लगा सकते हैं, एरेंथेमम की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। फेलनड्रन की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, इनको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसकी भी मैंने, इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। एक्चुअली इस टाइम का जो मौसम होता है मानसून का, रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये सब कटिंग ही ये पानी में मैंने लगाई हुई है फेलनड्रन की। तो इसकी भी बहुत सी वेराइटी, आपको कोई भी कहीं आपके फ्रेंड के पास, किसी के पास अगर मिलती है तो आप लगा लीजिए। स्टार लाइट फाइकस, ये देखिए स्टार लाइट फाइकस बहुत टाइम से लगाया हुआ है, मैंने इसको भी कटिंग से ही लगाया है। ये जिससे मत जहाँ से मैंने लगाया था ना, क्या हुआ था कि उसमें एरियल रूट्स थी, तो एरियल जो रूट थी बस इस टाइम आपको ऐसी थोड़ी सी हल्की सी पेंसिल जितनी, जैसे पेंसिल होती है ना उतनी मोटाई की आप ले लीजिए और अपना इसको मिट्टी में लगा लीजिए। देखिए जब कटिंग वटिंग लगाइए ना तो मॉइस्चर बनाकर रखिए, सूखने मत दीजिए, और इसके अलावा धूप में मत रखिए। जल्दीबाजी मत करिए कि उसमें कब फूल आएंगे, उसमें रूट बनी कि नहीं बनी, जल्दी जल्दी निकाल के देखेंगे तब तो वो बन भी रही होगी ना, तो भी मर जाएगी। मुझे भी इसको थोड़ा रिपोर्ट रिपोर्ट करना है। स्टारलाइट फाइकस, फाइकस के एक्चुअली बहुत सारी वैरायटी हैं, उसको भी आप कोई सा, ये मेरा पान है, पान अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने क्या किया था, एक दो ऊपर से प्रून ऊन किया था, फिर इधर मैंने इसी गमले में ही, बड़ा गमला खाली मुझे दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसमें ही साइड में ये कटिंग एक पान से लगा दी, एक पानी में भी ग्रो की हुई है। तो इस टाइम बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ही मेडिसिनल प्लांट इसको बोलते हैं। तो बाकी मनी प्लांट ये सब की देखिएगा आप, इस टाइम जबरदस्त ग्रोथ होती है मानसून सीजन में, क्योंकि इस समय इन लोगों को जो पानी, बारिश वाला जो पानी होता है ना वो बड़ा पसंद होता है। तो कहीं आप आराम से मनी प्लांट को लगा सकते हैं। देखिए अरेलिया है ये, अरेलिया में भी वेरीगेटेड अरेलिया भी आता है, जैसे मेरा ये वाला अरेलिया है, ये कटिंग से आप इजीली लगा सकते हैं। इस तरीके दूसरा अरेलिया मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा सा है, वो मैंने कटिंग से लगाया है। इसकी पत्तियाँ देखिए छोटी छोटी सी हैं, ये पूरी तरीके से ग्रीन है, इसमें वेरीगेटेड हल्के हल्के हरे रंग के भी आते हैं। तो कटिंग से ही ये तैयार किया है, इसको मैंने ख़रीदा नहीं था। तो इस टाइप के मतलब बहुत सी वैरायटी आते हैं ना, जैसे आपको जो भी मिल जाए आप अपना वो लगा लीजिए। और रिपोर्टिंग का टाइम है, ये देखिए ये वाला जो मेरा फाइकस है, इसको खैर मुझे प्रून करना है, बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ है ये, तो ये भी कटिंग से लग जाएगा, बहुत बहुत आसानी से ये कटिंग से लग जाएगा। इसके तो बहुत सारा मतलब बोनसाई के लिए बड़ा अच्छा होता है ये वाला प्लांट। ड्रेसिना की ये वाली वेराइटी भी है। एक प्लांट मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए ये वो है डबल्स बैक बोन है, ये कटिंग से ही मैंने तैयार किया है, ये मैंने ख़रीदा नहीं है, कटिंग से ही तैयार किया हुआ है।
और ये जैसे घर के बाहर बाहर आप लगा दो ना, ये एक्चुअल में ये बहुत ही हाईली पॉइजनस प्लांट होता है, तो कोई जैसे जानवर अनवर ये आपका वो ख़राब नहीं करेगा प्लांट। और एक स्टेम थी तो मैंने उसको पानी में भी लगा दिया, तो ये देखिए पानी में भी इसकी कटिंग तैयार हुई। इसको मैं मिट्टी में लगा दूँगी, पानी वानी अब थोड़ा सा इस समय का जो मौसम होता है ना, पानी हमको बचा वो करके चलना चाहिए, ज़्यादा कहीं कलेक्ट नहीं करना चाहिए। डेंगू चिंगू ये सब मलेरिया वलेरिया ये सब मच्छरों को इन्विटेशन नहीं देना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो भैया इससे अच्छा तो कोई प्लांट ही नहीं है गिलोय, और गिलोय भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और जहाँ ये मिलता है, जहाँ भी ये प्लांट होता है, वहाँ तो बिल्कुल जंगल की तरीके से भर जाता है। नीम पे चढ़ी हुई गिलोय आपको मिल जाती है, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, पर ठीक है कुछ नहीं से तो यही सही। तो ये गिलोय भी मैंने कटिंग से तैयार किया। और ना दोस्तों ज़्यादा इन अभी गुलदावदी या ये सब की कटिंग की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, इन लोग अभी इनको आप लगा भी दोगे ना तो बारिश से बहुत बचाना पड़ेगा, इन सब की कटिंग अक्टूबर में तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों गुलाब ना आप लगा सकते हो कटिंग से, जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं उनको उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लगा लेंगे। लेकिन ना जिनको ज़्यादा नहीं पता है कि उसको कितने टाइम में धूप में रखना है, कब शेड में रखना है, कब कितना पानी देना है, तो थोड़ी सी दिक्कत उनको बारिश के मौसम में हो सकती है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, मेरा अपना सजेशन है, आप को ठीक लगे तो आप समझिएगा उस चीज़ को। मैं ये बोलूँगी कि गुलाब की जो कटिंग है वो आप अक्टूबर में लगाइए, उस टाइम भी जब प्रूनिंग की जाती है गुलाब की। हम लोग प्रून करते हैं मतलब जैसे हल्का सा ठंडा मौसम शुरू हो जाता है, बारिश वारिश चली जाती है, उसके बाद गुलाब को ना प्रूनिंग की जाती है, तो वो समय आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय हार्ड प्रूनिंग होती है। अभी क्या है ना, अभी उतनी सारी स्टेम मिलेंगी भी नहीं, और ना अगर आपने लगा भी लिया तो हो सकता है मतलब उसकी रूट भी बन जाएगी, सब सही हो जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा बारिश वारिश होगी फिर वो ख़राब हो सकता है आपका प्लांट। उसमें होगा क्या कि हमें धूप में रखना ही पड़ता है, फिर हमने धूप में रखा, उसके बाद क्या हुआ बारिश वारिश हो गई, तो फिर प्लांट जो है ना वो कटिंग कुछ ही समय में क्या होता है, लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मेरी मैम कटिंग लग भी गई थी, उसमें कुछ लीव्स भी आ गई थी, रूट्स भी बन गई थी, लेकिन वो कुछ टाइम बाद मर गई। तो ये वाला जो टाइम है ना, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं लगती है, लग जाती है कटिंग गुलाब की, और लेकिन वो टाइम जो रहता है ना उसमें सक्सेस रेट जो रहता है वो 100% रहता है, उसमें ज़्यादा होता है। और इसके अलावा दोस्तों एक्सोरा की कटिंग आप लगा सकते हो, और इसके अलावा आप गंधराज की कटिंग भी लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगी गंधराज की कटिंग, मुझे लगानी है, मुझे इसके और प्लांट तैयार करने हैं। ये देखिए तो बहुत सारे कटिंग्स हैं, आपको ठीक लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपको मैंने इसीलिए इस टाइप के कोई ऐसे प्लांट नहीं बताए जो कि साल भर में कभी, अब जैसे ये देखिए पर्पल आर्ट है, इसको साल भर कभी भी लगा लो कुछ नहीं है, अपना लग जाते हैं, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी मानसून और हैप्पी गार्डनिंग, खूब सारे प्लांट्स लगाइए, खूब कटिंग लगाइए, बाय। और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई दोस्तों, मैं ना कभी भी मैंने कटिंग लगाने में रूटिंग हार्मोन मैंने कभी ख़रीदा नहीं, घर में ही बनाया, तो उसी से ही आप भी आराम से कर सकते हो, एलोवेरा जेल और ये सब। अच्छा चलिए उसका लिंक भी दे दूँगी, नहीं बहुत वीडियो लंबा होता जा रहा है, थैंक यू।